और अब इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएससी कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिला है। इस समय की बड़ी खबर, आरपीएससी कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ मिला है। 66 कार्मिकों को ये पदोन्नति मिली है। सच बेधड़क ने प्रमुखता से कार्मिकों की आवाज उठाई थी। कार्मिकों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार किया था, जिसके बाद सच बेधड़क ने उनकी आवाज उठाई और लगातार टीवी चैनल और अखबार के माध्यम से ये खबरें आपको दिखाई गई। और अब कार्मिकों को ये सौगात मिली है, 66 कार्मिकों को पदोन्नति मिल गई है। तो आरपीएससी कार्मिक जिनको अब पदोन्नति मिल गई है, लगातार सच बेधड़क अपने हर मंच से ये आवाज उठा रहा था कार्मिकों की, और अब उनको पदोन्नति का लाभ मिल गया है। आपको बता दें, मंत्रालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष प्रवीण मीणा ने सच बेधड़क और आयोग का आभार जताया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव। नवीन, आरपीएससी कार्मिकों की लगातार खबरें दिखा रहे थे सच बेधड़क के माध्यम से, उनकी आवाज उठाई थी और अब उनको पदोन्नति का लाभ भी मिल गया है। ऐसे में किस तरीके का माहौल है और क्या खुशी जाहिर कर रहे हैं कार्मिक? कहूंगा कि जो आयोग विभिन्न विभागों की डीपीसी करवाता है, इन्हीं के जो कर्मचारी थे, मंत्रालय कर्मचारी, इनकी डीपीसी पेंडिंग चल रही थी। इस डीपीसी पेंडिंग की मांग को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया था और वहीं सामूहिक अवकाश भी लगा, जिसके बाद सच बेधड़क ने इनकी खबर को प्रमुखता से उठाया और अगले ही दिन आयोग प्रबंधन इनके आगे झुक गया और इनको 26 जून को इनकी डीपीसी करवाने के लिए आश्वस्त किया और आज इनकी डीपीसी हो गई है। जो इनके कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रवीण मीणा, उन्होंने सच बेधड़क का पहले भी आभार जताया था और आज जब 66 कर्मचारियों को इनको पदोन्नति का जो लाभ दिया है, इसके बाद आज फिर इन्होंने सच बेधड़क और आयोग प्रबंधन का आभार जताया जी। तो ऐसे में नवीन, कुल 66 ही कार्मिक थे जिनकी अब पदोन्नति हो गई है? जी, 66 कार्मिकों की पदोन्नति होनी थी और वो पेंडिंग चल रही थी, इसी को लेकर सच बेधड़क ने इनकी आवाज उठाई थी, जिसके बाद आयोग प्रबंधन झुका और इसके चलते इनकी डीपीसी 26 जून को करवाने का निर्णय लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सच बेधड़क ने कार्मिकों की आवाज को उठाया। आरपीएससी कार्मिक जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, और अब 66 कार्मिकों को पदोन्नति की सौगात मिल गई है।